पौरी में क्रिसमस के त्यौहार को लेकर नगर में जगह जगह फ्लैग मार्च निकाला गया है। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के निर्देशन में एसडीओपी एसएस मुमताज के नेतृत्व में थाना प्रभारी बलविंदर ढिल्लन सहित पुलिस बल ने जगह जगह फ्लैग मार्च निकाला और शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की है। बता दें कि नगर में शांति व्यवस्था कायम रखने और अपराधियों में भय व्याप्त करने के उद्देश्य से पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया, जहाँ पुलिस ने सर्वप्रथम पौरी मेन चौराहे से फ्लैग मार्च प्रारंभ हुआ, जो कि किले के अंदर शिवपुरी रोड, बैराज रोड, शिवपुर रोड से होते हुए पुलिस थाने तक फ्लैग मार्च निकाला और आमजन से शांति व्यवस्था बनाने की अपील की। जहां फ्लैग मार्च के दौरान एसडीओपी एसएस मुमताज, थाना प्रभारी बलविंदर ढिल्लन, उप निरीक्षक विनोद यादव, सहायक उप निरीक्षक पवन शर्मा, पुष्पेंद्र सिंह चौहान सहित पुलिस बल मौजूद रहा। पौरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कुछ उद्देश्य था सर, और नगर में कहां कहां भ्रमण? फ्लैग मार्च तो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान राजेश सिंह चंदेल साहब के निर्देशन में हम लोगों ने निकाला है संपूर्ण जिले में, और उद्देश्य यही है कि जनमानस में एक सुरक्षा की भावना जागृत बनी रहे, लोगों में गुंडे बदमाशों में अपराधियों में असामाजिक तत्वों में पुलिस की मौजूदगी और उसको देखते हुए एक डर भी बना रहे, और जन सामान्य व्यापारी जनमान सामाजिक रूप से जो आम नागरिक हैं वो अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें। इसी